जैसे हमारा टॉपिक है बेसिस फॉर अ सब स्पेस, तो लेट एस टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस है हमारा, और वाई क्या सबसेट है हमारा एक्स का, जिससे मिला के हमने टोपोलॉजी बनाई, वो क्या वाई यू बी द सब स्पेस ऑफ अ एक्स टी, यानी कि सबसेट है एक्स टी का, जो उससे मिलके जो टोपोलॉजी बनी है वो क्या हमारी वाई और यू। अब हमें क्या निकालना है, बेसिस फॉर अ सब स्पेस। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसे सबसे पहले तो बी टेस्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, और बेस एक्स टी जो हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है इसकी बेसिस फाइंड आउट करेंगे, इसका इंटरसेक्शन करेंगे एक्स के सबसेट जो वाई है उसके साथ, जो कि हमारा जो भी हमारा सेट बन के आएगा उसे हम क्या कहेंगे, बेसिस फॉर अ सब स्पेस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हम बेसिस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक्स एक स्पेस है जिसमें ए बी सी डी ई एलिमेंट हैं, इसकी टोपोलॉजी बन के आई है फाई ए बी सी डी ए बी सी डी एंड एक्स। ये टोपोलॉजी कैसे बन के आई है, जो जो हमारे एलिमेंट पावर सेट के एलिमेंट स्पेस के हमारी टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं वो ये सारे एलिमेंट हैं, उन्होंने एलिमेंट से मिलके जो सेट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी का ही हम एक सबसेट ले लेंगे बी, और उस बी को हम वेरीफाई करेंगे कि यदि हम उस बी के सेम एलिमेंट का यूनियन लेके या फिर दो अलग अलग एलिमेंट का यूनियन ले की हेल्प से हम इस कंप्लीट हमारी टोपोलॉजी स्पेस को क्रिएट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बेसिस ऑफ अ स्पेस। तो सबसे पहले बेसिस निकालने का तरीका यही होता है, टोपोलॉजी का एक सबसेट लिया, उस सबसेट की हेल्प से हम कोशिश करेंगे कि उसके सेम दो एलिमेंट के यूनियन की हेल्प से या अलग अलग दो एलिमेंट के यूनियन की हेल्प से हम उसकी टोपोलॉजी क्रिएट कर लें। जैसे हमारा इसमें चार एलिमेंट हैं ए बी सी डी फाई एंड एक्स, तो हम सबसे पहले हमें फाई क्रिएट करना है टोपोलॉजी का, तो फाई का इंटर यूनियन फाई के साथ करेंगे, जैसा कि हमने बोला दो सेम एलिमेंट के यूनियन के साथ या दो अलग अलग एलिमेंट के यूनियन की हेल्प से यदि हम टोपोलॉजी क्रिएट कर दें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बी बेसिस। तो हमने फाई यूनियन फाई करा तो फाई आ गया, तो हमारी फर्स्ट टोपोलॉजी का एलिमेंट क्रिएट हो गया। इसी तरीके हमें ए बी क्रिएट करना है इसकी हेल्प से, बी की हेल्प से, तो ए बी का यूनियन ए बी के साथ करेंगे तो हमारा ए बी आ जाएगा। इसी तरीके सी डी निकालना है तो सी डी का यूनियन सी डी के साथ करेंगे तो हमारा सी डी आ जाएगा। इसी तरीके ए सी डी निकालना है हमें तो ए बी यूनियन सी डी करेंगे हम तो हमारा कंप्लीट आ जाएगा ए बी सी डी। इन दोनों की हेल्प से हमारा क्या आ गया, ए बी सी डी। और यदि हम इन कंप्लीट स्पेस का यूनियन कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, एक कंप्लीट स्पेस एक्स। तो ये भी आ गया हमारा, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया एंड ये भी आ गया। एक्स को निकालने का नदर तरीके भी हो सकते हैं, एक्स का यूनियन कर दें हम पाई के साथ तो भी हमारा एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से क्योंकि हम इस स्पेस की हेल्प से हम टोपोलॉजी को क्रिएट कर पाए हैं, इस वजह से जो हमारा ये स्पेस है इसे हम क्या कहेंगे, बेसिस। तो किसी भी सेट की बेसिस निकालने का तरीका ये है। अब उस बेसिस का यदि हम इंटरसेक्शन कर दें जो हमारा स्पेस है उसका जो सबसेट गिवन है हमें वाई उसके साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा, बेस फॉर अ सब स्पेस। तो ये है तरीका हमारा बेस फॉर अ सब स्पेस निकालने का। तो इस तरीके से हम बेस ऑफ अ सब स्पेस फाइंड आउट कर सकते हैं।